फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। फ्रेंड्स, यूपी एनएचएम एएनएम तथा स्टाफ नर्स वैकेंसी के लिए एडमिट कार्ड आ गए हैं। इस एडमिट कार्ड को आप कहां से डाउनलोड करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जिन लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है उनको क्या करना है वो भी इस वीडियो में बताऊँगा। मोबाइल से एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करोगे, सारी डिटेल इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, पास में जो घंटी का निशान आ रहा है उसको भी दबा लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करोगे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे मैं करके दिखाता हूँ। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल के गूगल में जाइए और वहां जाकर आपको सर्च करना है SAMS। ये मैंने सर्च कर दिया है अपने मोबाइल में। ऊपरी ऊपर साइट आ रही है SAMS.CO.IN, इस साइट पे जाकर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे देखो डिटेल मिल रही है, बीच में मास लेवल रिक्रूटमेंट डिटेल्स नीचे लिखा आ रहा है, रिक्रूटमेंट फॉर 10,000 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज अंडर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है होल टिकट एंड एडमिट कार्ड, आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, ई एडमिट कार्ड एएनएम एंड स्टाफ नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज विद नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। डाउनलोड करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत होगी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपने फॉर्म भरते वक्त डाले थे और आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये दो चीज़ आप डालोगे उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब जिन लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है उनको यहाँ पे देखो नीचे देखना है जो भगवा कलर में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट नॉट शॉर्ट लिस्टेड, यानी वो कैंडिडेट जो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हुई है। तो जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है वो इस लिस्ट पे क्लिक करे और इस लिस्ट को डाउनलोड करे, अपना नाम देखे, जिनका नाम आता है उनको अपनी क्वेरी सेंड करती है करनी है, मेल करना है upnhm@samsco.in। इस पर आपको 21 जनवरी 2019 तक अपनी क्वेरी सेंड कर देनी है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी सही है तो आपका एडमिट कार्ड उसके बाद में डाउनलोड हो जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो ये upnhm स्टाफ नर्स तथा एएनएम वैकेंसी के बारे में डिटेल थी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने वाला हूं। साथ ही साथ इस वैकेंसी का और डाउनलोड करने की, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो साइट है उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके भी आप सीधा इस साइट पर पहुँच सकोगे।